G20 এবার নতুন সদস্য স্থায়ী সদস্য পদ পেল আফ্রিকান ইউনিয়ন বৈঠকের আগে প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবে শিলমোহর এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে আমাদের সাথে বাত করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সাহেব পুরী সাহেব G20 দিল্লি কিতনে মায়নো মে খাস হ্যায় কি আপ গিনওয়ানা মে গিনওয়াউ আপকো দেখিয়ে এসা হ্যায় কবি ভি আপ ইস স্কেল পে कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करते हैं चाहे वो मल्टीलैटरल हो प्लूरीलैटरल हो जो भी हो तो आपको हमेशा चिंता रहती है किस एंथुजियाज्म से जो आपके गेस्ट हैं पार्टिसिपेट करेंगे अब आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ब्राज़ील सिंगापुर यूएई सऊदी अरेबिया मैं सबको गिनाना शुरू करूँ पता नहीं कितने हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट हैं कितने उनमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सब हैं वर्ल्ड बैंक IMF सारे मिलके आए और आपने जो निर्णय लिए जो 83 पैराग्राफ्स में लिखित हैं आप उनकी जब एनालिसिस करेंगे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इस G20 में कितनी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हुई है और देश भर नहीं इन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो अभी हमारे चैलेंजेस हैं चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो चाहे फूड का हो चाहे हेल्थ का हो डिजिटल हो उसमें G20 ने क्या किया है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा मैं समझता हूं कि आप गिनवाना कह रहे थे मैं तो अगर गिनती शुरू कर दूं तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन की बात होगी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया अपने आप में बहुत सालों से ये डिमांड चल रही थी उनकी तरफ से मांग भी चल रही थी इसके बैकडोर चैनल्स में कैसे काम हो रहा था जब G20 बनी थी कई लोग ऐसे कहते थे कि G20 विल मीन डिविएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ यू नो MFN के वन कंट्री वन वोट मैंने उस समय भी कहा था अगर G20 सफल होती है जो G20 बनी एक इंटरनेशनल क्राइसिस के दौरान पर आज हिंदुस्तान भारत ने यह साबित कर दिया है कि नो मैटर हाउ सीरियस द क्राइसिस इज वेरी गुड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट कोविड के बावजूद एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर और इसमें इम्पेटस दिया हर एक एरिया में जो हमारे 6 इंडिया के टेकअवेज प्रायोरिटी थी उसने आप बाकी पढ़ी है मैंने तो 83 पैराग्राफ्स आपसे मिलने से पहले पूरी कोशिश की पढ़ने की चाहे देखिए G20 इज नॉट ए फोरम फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप लैंग्वेज पढ़िए पर पॉलिटिकल अगर कहीं टर्मोइल होती है तो उसका इकोनॉमिक फोरम पे भी असर होता है तो आज हमने ये साबित कर दिया कि आप सब में नेविगेट कर सकते हैं। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें इनवाइट नहीं किया गया देखिए वो खड़गे साहब को पिछली बार जब लाल किले बुलाया था और नहीं आ पाए थे उन्होंने कहा कोई आंख वाँख में तकलीफ है तो मैंने कहा था मेरे पास अच्छा आंख का डॉक्टर है पर कहीं वो चले गए उस दिन किसी और कार्यक्रम में तो लोगों ने कुछ और बोला देखिए ऐसा है आप देखे चलिए खड़गे जी अगर रेड फोर्ट में नहीं आए तो हम कौन होते हैं यहाँ समय समझ गया ना इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करिए ज़्यादा हमारे इस समय हालत ये है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे G20 की सेलिब्रेशन हो रही है और आप खड़गे जी आई थिंक ही मिस्ड सम अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं उनको शायद वो अध्यक्षता करने की कांग्रेस पार्टी में उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाती राहुल गांधी इस समय ब्रसल दौरे पर हैं और लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं नहीं नहीं हमले तो देखिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ उनको ट्रैक कर रहे हो आप बट आपको बताऊँ राहुल गांधी जी ने आने पिछले सालों में बहुत चीज़ें कही हैं पर आज जो उन्होंने बेल्ट और क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना उसकी जो प्रशंसा की है वो तरह सवाल उठेंगे इस पर सवाल उठेंगे लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि G20 का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और कई मुख्यमंत्री हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने से अपने आप को बाहर कर रहे हैं उसको किस रूप में लगते हैं क्या आपको लगता है कि संघीय ढांचे में इस तरह के बड़े आयोजन में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए उनके बिहाफ में मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ उनके बिहाफ में तो मैं रियली जवाब नहीं दे सकता हूँ मैं समझता हूँ कि आप अगर देखें कि इस स्केल की सेलिब्रेशंस में इस स्केल की सब्सटेंटिव इवेंट में जब उनको निमंत्रण दिया गया तो आप वो अपने जो उनकी क्या कहते हैं वोटिंग पॉपुलेशन है उनको जवाब कैसे देंगे मैं तो वो देखना चाहता हूँ